तो भाई मैड मैक्स फ्यूरी रोड के ऑलमोस्ट 9 साल बाद कल रिलीज हुई क्रिस हेम्सवर्थ और आनिया टेलर जॉय स्टारर मैड मैक्स फ्रेंचाइज की फिफ्थ फिल्म फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा, जो कि मैड मैक्स फ्यूरी रोड में अपीयर होने वाली फ्यूरियोसा के कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी होने के साथ साथ पिछली फिल्म के प्रीक्वल और मैड मैक्स फ्रेंचाइज के स्पिन ऑफ की कैटेगरी में फॉल करती है। खैर, जस्ट लाइक अदर फिल्म्स ऑफ दिस फ्रेंचाइज, इस फिल्म को भी डायरेक्ट किया है जॉर्ज मिलर ने, जिन्हें मैड मैक्स फ्यूरी रोड के लिए बेस्ट डायरेक्टर के साथ साथ टोटल 6 ऑस्कर अवार्ड्स मिले थे। तो भाई, क्या जॉर्ज मिलर एक बार फिर से फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा में अपना 9 साल पुराना मैजिक रिक्रिएट कर पाए हैं या फिर नहीं, आइए इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइट एंड दिस इज द मूवी रिव्यू ऑफ फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई, ऑल्दो ये फिल्म फ्यूरियोसा के कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्यूरियोसा की रोल में चार्लीज थेरॉन के बजाय आन्या टेलर जॉय देखने को मिलती हैं। खैर, कमिंग बैक टू द प्लॉट ऑफ द फिल्म, तो कहानी शुरू होती है फ्यूरियोसा के बचपन से, जहाँ बाइकर वॉरलॉर्ड डिमेंटस के गैंग मेंबर्स फ्यूरियोसा को किडनैप कर लेते हैं, जिससे कि वो लोग फ्यूरियोसा की हेल्प से लैंड ऑफ अबंडेंस नाम की उस जगह का पता लगा सकें जहाँ से फ्यूरियोसा ओरिजिनली बिलोंग करती है। खैर, फ्यूरियोसा उन्हें कुछ नहीं बताती और अपनी मदर मैरी की हेल्प से डिमेंटस की कैद से भागने की कोशिश करती है, पर डिमेंटस मैरी को भी कैप्चर करके उसे मार देता है। लेकिन मरने से पहले मैरी फ्यूरियोसा से ये प्रॉमिस लेती है कि वो अपने होमलैंड में जरूर से रिटर्न करेगी, फिर चाहे इस प्रोसेस में जितना भी टाइम लगे। तो भाई, बस इसी प्रॉमिस को फुलफिल करने और डिमेंटस से बदला लेने की स्टोरी है फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा। अब भाई, अगर इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म टोटल 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जहां आपको फ्यूरियोसा की पूरी यंग लाइफ दिखाते हुए सारे कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट पे भी प्रॉपर फोकस किया गया है, जिसकी वजह से इस फिल्म में आपको एक्शन के साथ साथ अच्छा खासा ड्रामा देखने को मिलता है, जो कि ऐसे तो काफी एंजॉयबल है, पर अगर मैड मैक्स फ्यूरी रोड से इसका कंपेयर किया जाए तो ये फिल्म हार्डकोर एक्शन लवर्स को मैड मैक्स फ्यूरी रोड के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो लग सकती है। मजा नहीं आ रहा है। लेकिन भाई, अगर स्टैंड अलोन मूवी की तरह कंसीडर करें तो इस फिल्म में एक्शन भर भर के है और काफी दमदार है, जहां एक बार फिर से जॉर्ज मिलर ने वेस्टलैंड की दुनिया और उसमें होने वाले एक्शन सीक्वेंसेस को जिस खूबसूरती से हमारे सामने प्रेजेंट किया है, वो अगेन उनके इस मैड मैक्स यूनिवर्स के रिगार्डिंग डेडिकेशन को शोकेस करता है, जहां पे आपको बड़े बड़े व्हीकल्स के चेस सीक्वेंसेस के साथ साथ वैसे ही कैओटिक और धमाकेदार एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, जिसके लिए ये मैड मैक्स फ्रेंचाइज फेमस है। Whispered to me by Furiosa herself. साथ ही इन एक्शन सीक्वेंसेस के साथ साथ जो BGM हमें सुनने को मिलता है, वो तो भाई नेक्स्ट ही लेवल है। और सच बताऊं तो मुझे इस फिल्म का BGM मैड मैक्स फ्यूरी रोड के BGM से भी बेटर लगा। लेकिन भाई, फॉर मी इस फिल्म की हाईलाइट है क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस, जहां पे उन्होंने नेगेटिव रोल में जिस तरह से डिमेंटस के कमीनेपन, ब्रुटैलिटी और मैडनेस को स्क्रीन पे पोर्ट्रे किया है, उसको देखने के बाद आपके दिल से टाइका वाटिटी साहब के लिए 4 गालियां अपने आप निकल जाएंगी कि कैसे उन्होंने क्रिस हेम्सवर्थ के पोटेंशियल को थॉर लव एंड थंडर में पूरी तरह से वेस्ट कर दिया था। क्योंकि भाई, यहाँ भी डिमेंटस के कैरेक्टर में विकेटनेस और ह्यूमर दोनों था, पर जिस तरह से जॉर्ज मिलर ने इस कैरेक्टर में दोनों चीजों का बैलेंस बनाया है, उसकी वजह से ये कैरेक्टर आपको हंसाने के साथ साथ शॉक भी देता है। साथ ही अगर बात करें फिल्म की लीड आन्या टेलर जॉय की, तो उनकी एंट्री फिल्म में लगभग 1 घंटे बाद होती है, जहां से बेसिकली फ्यूरियोसा की पूरी रिवेंज स्टोरी स्टार्ट होती है, जिसमें आपको आन्या टेलर जॉय के दमदार एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन भाई, क्योंकि चार्लीज थेरॉन ने लास्ट फिल्म में फ्यूरियोसा का रोल प्ले करके जो बेंचमार्क सेट किया था, उसके बाद यहाँ पे आन्या टेलर जॉय का कंपैरिजन उनसे होना तो बनता है। और भाई, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे पर्सनली आन्या टेलर जॉय की परफॉर्मेंस एक्शन सीक्वेंसेस में चार्लीज थेरॉन के कंपैरिजन में थोड़ी डाउन लगी। लेकिन भाई, फिर भी उन्होंने इस परफॉर्मेंस से अपना एक अलग बेंचमार्क सेट किया है। स्पेशली विद लिमिटेड डायलॉग्स, उन्होंने जिस तरह से केवल और केवल एक्सप्रेशंस से फ्यूरियोसा के इमोशंस को पोर्ट्रे किया है, वो काफी जबरदस्त है। साथ ही फिल्म में फ्यूरियोसा के बचपन का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस आइलाइला ब्राउनी ने भी काफी जबरदस्त काम किया है, जहां उन्होंने फिल्म के पहले घंटे में लिटरली बिना कुछ बोले फ्यूरियोसा के स्ट्रगल को दिखाते हुए उसके फियर्स कैरेक्टर में जो इनोसेंस ऐड किया है, वो काफी कमाल का है। बाकी भाई, इन सभी के अलावा अगर दूसरे एक्टर्स की बात करें, तो सभी ने अपने अपने कैरेक्टर्स के साथ अपने रोल में पूरा जस्टिस किया है।
अब भाई ओवरऑल ये फिल्म थ्रिलिंग और ब्रेथ टेकिंग एक्शन पैराडाइज होने के साथ साथ एक विजुअल ट्रीट भी है, जहां आपको दमदार परफॉर्मेंसेस के साथ साथ फ्यूरियोसा की ओरिजिन और रिवेंज स्टोरी देखने को मिलती है। अब हाँ भाई, अगर आप मैड मैक्स फ्यूरी रोड से इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये फिल्म उतनी एक्शन हैवी तो नहीं है, पर स्टिल फिल्म की स्टोरी आपको डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। सो इन माय ओपिनियन इट्स अ वेरी गुड फिल्म जिसे आपको थिएटर्स में जाकर ही देखना चाहिए। तो गाइस दैट्स इट, ये था मेरा फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा मूवी का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आपने मूवी देख ली है तो कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस जरूर लिखें। साथ ही जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।